नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनट्स न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के कुछ हेडलाइंस पर। नागपुर में एक 7 साल की बच्ची के साथ स्कूल टॉयलेट में रेप, आरोपी हुआ गिरफ्तार। नागपुर में 4 स्थानों में खुदकुशी के मामले दर्ज हुए। शहर में पसरी रही गंदगी, नहीं उठाया जा रहा है कचरा। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। काटोल तहसील के एक गांव में बच्ची के साथ 25 वर्षीय युवक ने स्कूल के बने एक टॉयलेट के अंदर कथित तौर पर रेप किया। पुलिस के मुताबिक बच्ची गांव के स्कूल ग्राउंड में खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसे देखा और टॉयलेट में उठाकर ले गया। आरोपी ने वहां बच्ची के साथ रेप किया, साथ ही उसे ये धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे मार डालेगा। वहीं दूसरी खबर, नागपुर शहर में पिछले 24 घंटे के भीतर विविध स्थानों पर महिला सहित 5 लोगों की मौत हुई। जानकारी के अनुसार सारे मामले आत्महत्या के हैं। बेलत रोडी, गिट्टी खदान और कोराड़ी थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। पहला श्यामनगर निवासी आशा मनोहर मानमोड़े बीमार थी, परेशान होकर सीढ़ी के एंगल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरा प्रायुष निरंजन खंडाले ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीसरा मामला गवलीपुरा निवासी अमित सुखदेव गोंडाने ने भी फांसी लगा ली है। वहीं फुटाला निवासी कैलाश हरिभाव आत्रम इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, उन्होंने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार सारे मामले आत्महत्या के बताए जा रहे हैं। वहीं शहर में कचरा संकलन कर रही एजेंसियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे की अध्यक्षता में गठित कमेटी कचरा संकलन एजेंसियों की कार्यप्रणाली की जांच कर रही है। इस बीच रविवार को आधे शहर में कचरा नहीं उठाए जाने से बीवीजी एजेंसी की मुसीबत और बढ़ गई है। सफाई कामगार समय पर वेतन नहीं देने से हड़ताल पर चले गए हैं। कचरा संकलन एजेंसी की लापरवाही का शहर के नागरिकों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ खबरों को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।